जीवित नॉन सैकड़ेट बच्चों के लिए पहला ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की तरफ से रोड एंड से विकी गेंदबाजी के मोर्चे पर जीवित और ललित यही जोड़ी मैदान पर। पहली गेंद पर हल्के से गेंद पर टैप किया, इस बार लगभग पॉइंट की तरफ गली की तरफ, और एक रन के साथ से अपना खाता खोला मैच में मुंबई 11 मुंबई क्रिकेट टीम ने। पहला मैच है जो कि एक बड़े टोटल का मैच देखने को मिला, 99 रन बनाए थे, 100 रन का जो कि जवाब देना था महेश्वर कारवार क्रिकेट टीम को, लेकिन शायद काफी दूर रह गई अपने स्कोर से। एकमात्र बल्लेबाज शिव ने जो कि काफी जो कि प्रतिकार किया था, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने काफी खासा निराश किया। इस बार एक बार फिर से भी अपनी गोली मार्क पर और अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे ललित की गेंदबाजी का। ओवर पिच गेंद इस बार उठाकर मारा, लंगन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो पर टोटल बढ़ता हुआ मुरपाड़ 11 रायगढ़ मुंबई क्रिकेट टीम का पहला ओवर प्रगति पर जो कि पावर प्ले का ओवर बाद में, जबकि दूसरे से पांचवें तक के बैट्समैन चॉइस पावर प्ले का ओवर रहेगा। जहां तक आउटफील्ड बड़ा है, विकेट अच्छा है, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे इस विकेट पर। ओवर पिच इस बार बढ़िया शॉट है, लंबा बाउंड्री की तरफ, शायद कोई मौका नहीं मिलेगा, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ पार करते हुए चार रन के लिए। समाप्त तो फील्डिंग का काफी फायदा देगी दिखाई देती हुई अवेंजर क्रिकेट टीम की दुर्ग
का बाउंड्री पर, ये फील्डिंग ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर चार फील्डर। शॉर्ट गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, मारना चाहते थे फिर से, शायद निश्चित रूप से थोड़ा सा इशारा जरूर होगा गेंदबाजों के ऊपर, जबकि आप वाले के इशारा शॉर्ट पिच गेंद थी फिर से, जबकि आप हुक करना चाहते थे, लेकिन शायद गेंद बल्ले से काफी ऊपर से निकली। ऑन साइड पर एक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग वन बाउंड्री पर फील्डर। गोलंदाजीला स्ट्राइक लाइट येतो, जीवित आणि अतिश बक्कर स्ट्राइकला सज्ज होतोय। रिवर्सिपचा फटका मारायचा प्रयत्न या ठिकाणी, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही, थोडीशी बिमडण की धीमी सुरुवात या ठिकाणी मुरबाड इलेव्हन क्रिकेट संघ करतोय, कारण एकंदरीत खेळपट्टीचा आणि आउटफील्डचा विचार केला तर बिमडण की 6 षटकात 75 धावांची आवश्यकता प्रथम फलंदाजी करताना। आणि पुष्पशील पूर्ण एका उजव्या हाताने गोलंदाजी करतोय, पुन्हा एकदा थोडासा ब्लॉक होल मधील चेंडू थोडासा हवेत फटका, यष्टी रक्षक झेल टिपायचा प्रयत्न करतो, चेंडू पासून थोडासा दूर राहतो या ठिकाणी यष्टी रक्षक, आणि त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एका धावेच्या मदतीनं धाव फलक थोडासा पुढे सरकतो, तो म्हणजे 13 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्या 13 loss of 1 wicket थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस। आणि आतिशा ही जोडी मैदानात दिसते या ठिकाणी, खूप लवकर या ठिकाणी तंबू मध्ये परतोय, थोडासा ब्लॉक होल मधील यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, एक सुंदर फटका, लॉंग आपला चेंडू येतोय, त्या दरम्यान मात्र पुन्हा एकदा एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात। एक बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचा निर्णायक षटक अजून बाकी मुरबाड इलेव्हन क्रिकेट संघासाठी, आणि त्या अगोदर मी म्हणेन की थोडीशी मात्र आता टोलेबाजी करावी लागेल, थोडीशी धाडसी आक्रमक फटकेबाजी करायची आवश्यकता, कारण तिसरं षटक आहे प्रगतीपथावर। पुन्हा एकदा या ठिकाणी चेंडू थोडासा लेग स्टंपचा चेंडू, यष्टी रक्षकाच्या मागे पाईल लेगला चेतरक्षक, चेंडूचा पाठलाग, चेंडूला या ठिकाणी मात्र बराच दूर दिसतोय, लेग पाईचा पंचांचा इशारा, 4 बहुमूल्य धावा या ठिकाणी मिळत आहेत त्या मुरबाड इलेव्हन क्रिकेट संघाला। पाईल लेगला चेंडू सीमा पार होतोय, लेग पाईचा पंचांचा इशारा येतोय, आणि 4 धावाबरोबर धाव संख्या मात्र या ठिकाणी थोडीशी पुढे सरकते। आमचं गुणलेखनाचं काम करता येते इरफान अशेक, फलकावर 18 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्या तिसऱ्या षटक हे प्रगतीपथावर। पुष्पशील पुन्हा एकदा सज्ज होते, राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय, ओव्हरपिच चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, थोडासा इन साइड आउट पद्धतीने बॅटची कट घेतोय, चेंडू फाईन लेगला जातोय या ठिकाणी, म्हणजे शॉर्ट फाईन लेगला चेतरक्षक चेंडूवर येतोय, आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागतं इथे या जोडगुळीला। उर्वरित या षटकानंतर निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी, एक बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचा षटक जे निर्णायक बाकी, आणि पुष्पशील पुन्हा एकदा आपल्या स्क्रीन वर दिसतोय, सुद्धा चेंडू एक सुंदर फटका, स्वीपचा फटका या ठिकाणी, परंतु स्क्वेअर लेगला डीप स्क्वेअर लेगला चेतरक्षक त्या ठिकाणी तैनात। पुन्हा एकदा एका धावेवर समाधान मानावं लागते या जोडगोळीनं, फक्त फक्त निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, म्हणजे 3 षटकांचा। नाणेफेक जिंकतोय या ठिकाणी अवेंजर क्रिकेट संघ, प्रथम चेतरक्षण स्वीकारतोय, प्रतिस्पर्धी मुरबाड रायगड इलेव्हन मुंबई क्रिकेट संघाला फलंदाजीला आमंत्रण देतोय, आणि एकंदरीत मी म्हणेन की समाधानकारक आतापर्यंत एकंदरीत अवस्था मी म्हणेन ती, म्हणजे अवेंजर क्रिकेट संघाची
पहिल्याच्या भोपळ्यात 18 चेंडूंचा खेळ बाकी, त्यातलं बिबडत एक निर्णायक षटक जे बॅट्समॅन चॉईस पावरप्लेच बाकी. गोलंदाजीत बदल होतोय बहुधा आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते जय भोसले. मी अशोक नाईक आपली थोड्या वेळासाठी रजा घेतोय. धन्यवाद. पिछले साल हमने एक ओवर ऐसा भी देखा था जो बल्लेबाज
क्वार्टर के लिए जा रहे हैं। गेंद से मारे कपार चार रन के लिए। मैंने तारीफ क्या कर ली, बल्लेबाजों ने सुन ली और बल्लेबाज के बल्ले से रन आप निकालते हुए। ये अक्सर हो जाता, बल्लेबाज भी कहता होगा शायद, आप जिसके प्रशंसा कर रहे हैं उनसे ज्यादा मेरे अंग में प्रतिमा भरी है। और हम अक्सर यहाँ पर बात करते हैं, बल्लेबाज को उकसाते हैं, गेंदबाज को उकसाते हैं, क्योंकि दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। अपाली कलगुटकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, पावर प्ले का और बैटिंग चॉइस पावर प्ले ये बेहतर है। ये करारा जवाब, ला जवाब गेंदबाजी, लाजमी गेंदबाजी, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी किसे कहते हैं उसके बारे में किस्सा जरूर बताऊंगा, लेकिन इस गेंदबाज इस गेंद को सिक्के के ऊपर गेंदबाजी करता खेलते हैं। अंबाली कलगुट गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद, इस बार खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा आना वाकई है जरूर। जी हाँ, सर के ऊपर से वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और वन बाउंस जो कि एक ओवर में अलाउ है वो शायद कहते हो। ये ओवर काफी महंगा मैं तो कहूंगा, बैटिंग चॉइस पावर प्ले और काफी फायदे में चालू होता हुआ मुरवाड़ इलेवन मुंबई टीम बेहतर गेंद रुककर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। एक रन तब तक जैसे जैसे पूर्ण किया और लेग वाइज का इशारा आता हुआ एक रन के बदलत रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 36 रन के बाद 36 लॉस ऑफ टू विकेट्स। शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार चकमा देने में काम है। वापसी करा
वाला जवाब। चार गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, और बार बार जो भूलकर वापसी का दरवाजा बंद कर ले उसे मूर्खानंद कहा जाता है। ये बेहतरीन गेंदबाजी, लास्ट में गेंदबाजी, इसे कहते हैं करारा जवाब, इसे कहते हैं वापसी। और यही होती है अच्छी गेंदबाज की निशानी। पहले तीन ओवर में मात्र रन था 20, लेकिन अब थोड़ा सा रन के ऊपर एक्सलेटर के ऊपर पांव रखा है बल्लेबाजों ने। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार चकमा का बैठे। पहली गेंद 6 रन के लिए, लेकिन उसके बाद तीनों गेंदें सिक्के के ऊपर, यानी कि डॉट गेंद। और ऐसे आखिरी ओवर में इस तरह की डॉट गेंदें निश्चित रूप से विपक्ष टीम का हौसला बढ़ाने वाले। एक रन तो जरूर बनेगा, और एक रन के साथ ही मुरवाड़ मुंबई के 50 रन पूरे होते हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद बाकी, पर्याप्त से इनिंग के आखिरी गेंद का खेल बाकी। सिक्के के बारे में मैं कहना चाहूंगा, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी कहना किसे कहते हैं। मुरलीधरन जब गेंदबाजी किया करते थे तब विकेट के ऊपर एक सिक्का रखा जाता, जो सिक्के का एक आखिरी टोक था वो बाहर रखा जाता, जो विकेट के ऊपर गेंद डाली नहीं जाती। ये फिर एक बार स्पेस से धोखा खा बैठे। एक रन जरूर बनेगा, वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और टोटल 52 रन। तो सिक्के के नजदीक से गेंद चली जाती, सिक्के के लगकर गेंद चली जाती, विकेट के ऊपर नहीं गेंद की जाती थी, तो उसे सिक्के के ऊपर गेंदबाजी करना कहते हैं। 52 रन टोटल, अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी। क्या आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आएगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। इस बार नो बॉल का इशारा, जी हाँ, नो बॉल का इशारा। शायद मुझे लगता है कुछ क्या फ्री हिट तो जरूर मिलेगी। नो बॉल क्यों निकाली गई है ये तो शायद अंपायर ही बता सकते। शायद 30 यार्ड सर्कल के अंदर ज्यादा खिलाड़ी हो या कुछ किया। नो बॉल क्रिएट, उधर और 2 रन, यानी कि 54 के ऊपर पहुंचा, 54 लॉस ऑफ 1 मिनट। आखिरी गेंद फ्री हिट, जी चाहे जहां चाहे मन चाहे शॉट खेले, आप आउट नहीं हो सकते। आउट होने का खतरा सिर्फ रन आउट, यानी कि ये बल्लेबाज के पक्ष में जो कि नियम आईसीसी में लाया है वो बल्लेबाज के पक्ष में, गेंदबाजों की कत्ल करने वाला ये रूल। नो बॉल के ऊपर फ्री हिट, आगे जाकर खेलने की कोशिश, देखना है अंपायर का इशारा फिर एक बार, क्या भाई, यानी कि फ्री हिट कंटिन्यू, अभी भी फ्री हिट मिलेगा। रन संख्या 55, मैं तो अशोक यहाँ से कहना चाहूंगा ये 55 रन में फाइटिंग टोटल कहे जाएगा, जिस तरह के मुरवाड़ 11 मुंबई के पास गेंदबाज से ऊपर खेलने की कोशिश जरूर आई नहीं बल्ले के ऊपर। 22 के रूप में एक रन, इनिंग की हो गई समाप्ति, और 56 रन बन चुके हैं टोटल 6 ओवरों का खेल समाप्त होने तक, और जीतने के लिए 57 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदों में 57 रन बना रहे हैं गुर्जरम टीम को। अब देखता है क्या ये छोटा टारगेट, अब हम कहते हैं क्योंकि पहले मुकाबले में 99 रन बनाए थे, पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 का टारगेट था, लेकिन चेस करते वक्त लगभग 60 रन भी चेस हुए थे, तो ये आसान लग रहा है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल, सिक्के के ऊपर गेंदबाजी, लपीतुली गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी अगर हो जाती है मुरवाड़ 11 मुंबई की ओर से, तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में भी कांटे की टक्कर हो सकती है। देखने वाली बात होगी क्या होता है इस मुकाबले में, दूसरा मुकाबले में इस सनशाइन क्रिकेटर्स की ओर से आयोजित एसपीएल यानी कि सांगेम प्रीमियर लीग 2016-17 का ये दूसरा मुकाबला, कौन सी टीम अपना ये मुकाबला जीतते हैं, मुरवाड़ 11 मुंबई या यहाँ पर एवेंजर क्रिकेट क्लब गुर्जरम, ये तो आने वाला समय तय करेगा। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा ये तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे जरूर। तो फिलहाल वक्त हो चुका है कमेंट कक्षा में बदल
टकराव का और पहले ब्रेक का। मैं जय भोसले सभी दर्शकों से इस पहले लेग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।
स्ट्राइक ला येतोय तो प्रवीण और पप्पा आणि नॉन स्ट्राइकरला खेळतोय तो पुष्पशील. पहिला षटक गोलंदाज सागर संजावतोय आमच्या कॉमेंट्रीच्या बॉक्सच्या दिशेनं, रोड यांच्या दिशेनं. 56 धावा 57 धावांचं आव्हान. मी म्हणेन की पीटचा जो शेवटची संधी होती त्या संधीचा काय फायदा उठवत नाही मुरबाड इलेव्हन मुंबई क्रिकेट संघ. त्या चेंडूवर नक्की एक मोठा फटका आवश्यक, परंतु एकंदरीत चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती शेवटच्या षटकात. एकमात्र अपालीचं 20 धावांचा षटक, म्हणजे पहिल्या 3 षटकात 20 धावा आणि त्यानंतरच्या 3 षटकात 36 धावा. एकंदरीत एक समाधानकारक अशी धावसंख्या मुरबाड इलेव्हन रायगड मुंबई क्रिकेट संघाची आणि 57 धावांचं आव्हान. सलामीची जोडी ही मैदानात अवेंजर क्रिकेट संघाची दिसते. प्रवीण स्ट्राईकला सामना करतोय पहिल्या चेंडूचा. आपण टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी. पंच थोडासा इशारा करतायत या ठिकाणी, म्हणजे गोलंदाजाला या ठिकाणी थोडासा या शॉर्ट पिच बाउन्सर ज्याला म्हटलं जातं तशा प्रकारचा चेंडू. उंच पुरा असा खेळाडू प्रवीण त्याच्या बॅकच्या काही टप्प्यात या ठिकाणी चेंडू येत नाही. बाकीचं सोपस्कार यांची रक्षक पूर्ण करतोय आणि सागर आपले 16-18 बॉलांच्या रनअप्स उजव्या हातानं ओव्हर देखील मारा करतोय प्रवीणला. चेंडू पुन्हा एकदा या ठिकाणी मोठा फटका स्क्वेअर लेगला मारायचा प्रयत्न. पंचांचा पाहूया नेमका काय इशारा येतोय तो या ठिकाणी. लेग बायचा इशारा येतोय आणि या एका धावेनिशी या ठिकाणी मात्र धावांचं खातं आहे अवेंजर क्रिकेट संघाचं सुरू होत आहे. एक धाव धावपलकावर बिनपात अशी सुरुवात 57 धावांचा पाठलाग करताना आणि पुष्पशील पहिल्यांदाच या ठिकाणी सज्ज होतोय तो सागरच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. रिव्हर्सिपचा फटका मारायचा प्रयत्न, ऑफ स्टंप ला थोडासा सोडून जाणारा चेंडू या ठिकाणी. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही. एका ठिकाणी निर्धाव चेंडू जातोय ऑफ साईडला. या ठिकाणी 4 क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत ऑन साईडला, 5 क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी मुरबाड इलेव्हन क्रिकेट संघाचं क्षेत्ररक्षण आणि सागर गोलंदाज या ठिकाणी आपल्या रनअप पुन्हा एकदा सज्ज होतोय रोड एंड कडनं या ठिकाणी. ओव्हरपिच चेंडू या ठिकाणी फटका पोचतो या ठिकाणी. एका जेल उडतो यष्टीरक्षक, एक सुंदर जेल टिपतोय आणि आपलं खातं न उघडता या ठिकाणी गोपळाला पोळता पुष्पशील या ठिकाणी मैदानावर रजा घेतोय. थोडीशी एक नाजूक अवस्था या ठिकाणी अवेंजर क्रिकेट संघाची. 57 धावांचा पाठलाग करताना एक धाव एका गड्याच्या मोबदल्यात पहिला षटक हे प्रगतीपथावर. प्रवीण उर्फ पप्पा या ठिकाणी मैदानात दिसतोय आणि प्रवीणला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज विकास हा या ठिकाणी मैदानात येतोय. 36 चेंडूत 57 धावा एकंदरीत खेळपट्टी. मी म्हणेन की एका बॅटिंग विकेट या खेळपट्टीवर पहिल्यांदाच 99 धावांचा या ठिकाणी पाऊस पाहायला मिळाला, म्हणजे एक बॅटिंग विकेट. त्यानंतर गोलंदाजीत चांगली कामगिरी मी म्हणेन करतोय तो अवेंजर क्रिकेट संघ, परंतु त्या गोलंदाजांच्या कामगिरीवर या ठिकाणी फलंदाजाला मात्र आपली साजीशी कामगिरी करावी लागेल. विकास हा नवीन फलंदाज मैदानात येतोय आणि दुसऱ्या बाजूनं पाहुणा संघ या ठिकाणी जो बऱ्याच दूरवरनं या ठिकाणी आलाय. फलंदाजीत एकंदरीत समाधानकारक धावसंख्या उभारतोय ती म्हणजे 56 धावांची आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे नक्कीच एक दर्जेदार गोलंदाजी आणि त्या गोलंदाजी समोर या ठिकाणी एक 57 धावांचं नक्की एक कडवं आव्हान हे पाहायला मिळते मैदानात. नवीन फलंदाज विकास नॉन स्ट्राइकर यांना प्रवीण आपल्या पहिल्या षटकात या ठिकाणी एक नक्की महत्वाचा अडसर दूर करतोय तो सागर. पुन्हा एकदा आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षणात फारसा बदल दिसत नाही अजूनही या ठिकाणी, म्हणजे 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला दिसत आहेत आणि 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला. बॅट या ठिकाणी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक 6 षटकांचा या सामन्यात. आणि सागर सज्ज होते आपल्या बॉलिंग टप्प्यावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, थोडासा गती परिवर्तन केलेला या ठिकाणी स्लोअर होणं पद्धतीचा, परंतु एक सुंदर फटका लॉंग ऑफच्या दिशेनं या ठिकाणी, एक विश्वासात्मक फटका या ठिकाणी विकासच्या बॅट मधनं एक सुंदर असा नेतो दीपक. षटकार पाहायला मिळतोय आणि ज्या एका मोठ्या फटकाची पहिल्या वेळेला षटकात आवश्यकता अपेक्षा तोच फटका विकासच्या बॅट मधनं निघत या ठिकाणी. 7 अशी धावसंख्या पहिल्या षटकात एका गड्याच्या मोबदल्यात 57 धावांचा पाठलाग करताना. संगीत प्रीमियर लीग गोवा राज्यातील पहिली वहिली एक भल्या मोठ्या रकमेची स्पर्धा. गोवा राज्याबरोबरच महाराष्ट्र कर्नाटकातील संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत. चेंडू मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, एक हलकाचा अपील, परंतु पहिल्यांदा चेंडू मला वाटतं बॅटला लागतोय, त्यानंतर पायावर आदळतोय या ठिकाणी, त्यामुळे अपील या ठिकाणी फेटाळण्यात येतोय आणि पहिल्या वहिल्या षटकाची या ठिकाणी सांगता होते. एकत्रित दोन्ही संघांसाठी एक चांगलं षटक म्हणावं लागेल, कारण मुरबाड इलेव्हन क्रिकेट संघ या ठिकाणी या पहिल्या षटकात एक गडी बाद करतोय आणि दुसऱ्या बाजूनं मी म्हणेन की विकासच्या बॅट मधनं एक नेत्रदीपक षटकार पाहायला मिळतोय, म्हणजे जो फटका आवश्यक तो फटका निघतोय आणि 57 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त हो
होतो आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सात अशी धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात। बरोबर पाच षटकात 50 धावांची आवश्यकता म्हणजे प्रति षटकामागे 10 धावांची आवश्यकता। एक बॅट्समॅन 40 पॉवर प्लेचं जे षटक बाकी आणि गोलंदाजी आमच्या नेमका दूर वरतो या ठिकाणी क्षितिज हा गोलंदाज आपलं पहिलं षटक आणि संघाच्या वतीनं दुसरं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो आणि स्ट्राईकला आता मात्र त्याच्या गोलंदाजीला सामोरा जातो येतो प्रवीण।
क्रिकेटपट्टी मेमाडेंक एक सहज जिंका या इर्शेना मैदान अवेंजर क्रिकेट संघ दिसला होता, परंतु दुसऱ्या बाजूने मुरबाड इलेवन क्रिकेट संघ एक अचूक गोलंदाजी करते, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करते, प्रतिस्पर्धी संघाला काही मोठे फटके खेळण्याची संधी तो देत नाही आणि सात धावा चार गड्यांच्या मोबदल्यात अशा नाजूक अवस्थेत या ठिकाणी येऊन ठेपतोय तो अवेंजर क्रिकेट संघ। विकास बाद होतोय आणि विकास ची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज अपाली हा मैदानात जातोय। अपाली एक अष्टपैलू खेळाडू या ठिकाणी शायद
शॉट था, शायद ये ओवर काफी महंगा था दिखाई देता हुआ। एक बड़ा शॉट अपाली के बल्ले से स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बाद में विकी के बल्ले से शानदार चौका, चार बहुमल्य रन, 21 लॉस ऑफ 4 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 21 रन 4 विकेट पर। क्षितिज चौकी गेंदबाजी के लिए, क्षितिज देखना है
में सूरज, इस क्षितिज के ऊपर सूरज उगता है या क्षितिज सूरज को दबोचता है, ये देखने वाली बात है। क्षितिज के ऊपर हमने अक्सर देखा है सूरज उगता हुआ, लेकिन कभी कभार जब ग्रहण लगता है तो क्षितिज दबा देता है सूरज को। क्षितिज जो की गेंदबाजी करता हूं, बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, सवाल पूछती हुई बल्लेबाज से, भाई आप खेलना कहां चाहते हो, कहां आपका स्ट्रोक है, कैसी है आपकी बल्लेबाजी, इसी को सिक्के के ऊपर गेंदबाजी कहते हैं। बार बार जिक्र मैं करता हूं सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी। क्षितिज शानदार गेंदबाजी, छोटे कद का जरूर है लेकिन हौसले बुलाता है। फिर एक बार खेला, बड़ा शॉट, खिलाड़ी वहां पर भागे जरूर, पहला रन मुकम्मल, एक ही रन के ऊपर संतुष्ट। मिस हिट हुआ था जरूर, लेकिन सही मायने में अगर हिट बन जाता तो शायद सीमा रेखा के बाहर ही चलता, क्योंकि इस खिलाड़ी में ताकत है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन वो प्रतिभा कब लानी है, किस मॉडल में डालनी है, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। क्षितिज फिर एक बार गेंदबाजी के, और इस खिलाड़ी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, बुल्लेक स्पॉट के ऊपर यह स्पेस ज्यादा देता है, अच्छी गेंदबाजी करता है। जी हाँ, ये गेंद, ये सिक्का है, क्योंकि हमने कई बार इस खिलाड़ी को मैंने तो नजदीक से देखा, ये बुल्लेक स्पॉट के पास शानदार गेंदबाजी करता है, जो इनका इसका बल स्थान माना जाता है इस गेंदबाज को। यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर खेलना चाहिए, बल्लेबाज को इस गेंदबाज का सामना करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग चॉइस बहुत बहुत में जो कि और रहता है, वो फील्ड इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको यहाँ पर फेंकने की कोशिश करें। सूरज ऑन स्ट्राइक, यहाँ पर बड़ा शॉट, जी हाँ, हवा में जरूर, कैच का मौका, लेकिन इस बार फिर एक बार गलती, दूसरा जीवन दान, और जीवन दान के ऊपर दो रन। मैं तो कहूंगा यहाँ पर पांचों उंगलियां घी में है सूरज की, और खराब दिन चल रहा है फील्डरों का, और अक्सर नसीब का साथ ना हो तो पेड़ के ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, अक्सर देखा है, ऊंट के ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। शायद पहले ही अपने हाथ बंद कर लिए थे, पहुंचे ही नहीं थे गेंद तक फील्डर। ये विद अलॉन्ग द कार्पेट, कॉपी बंस्टर का स्ट्रोक, ये पेड़ के दिशा में, खिलाड़ी वहां पर था ना, पहले प्रयास में गेंद को उठाया नहीं, दूसरी प्रयास में उठाया, लेकिन एक ही रन के ऊपर संतुष्ट। यानी कि अब तक तो अगर बता जाए इस पावर प्ले की ओर का, तो नफा तुला ओवर शामिल, एक मौका बना था, वो मौका अगर ले लेते तो शायद चढ़कर बोल लेते, चढ़कर बोल बोलती गेंदबाजी यहाँ पर मुरवाड़ 11 मुंबई, इतने दूर से आए हो, कुछ तो करिश्मा करके जाएंगे, इस सोच के साथ गेंदबाजी क्षितिज की सूरज को दबोच लिया। अपाली कलबटकर ये हुकुम का इक्का अब तक मैदान के भीतर, जड़ में डाले, लाजवाब गेंद पे, इसलिए तो मैं कहता हूँ ये खिलाड़ी ब्लॉक होल और बुल्लेक स्पॉट में माहिर, शानदार गेंदबाजी, पावर प्ले में अगर इस तरह की गेंदबाजी हो तो खुले आसमान में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। लास्ट गेंदबाजी, चौथा ओवर हुआ मुकम्मल, यहाँ पर चार ओवरों का खेल समाप्त, रन संख्या 27 रन, अभी भी बची है 12 गेंदे, और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 30, 12 गेंदों में 30 रन चाहिए, और पावर प्ले में जिस तरह की गेंदबाजी हुई है मुझे तो आसान नहीं लग रहा है ये मुकाबला। अवेंजर क्रिकेट क्लब कुर्च ने, गेंदबाजों ने अपना काम किया था, काम करना था बल्लेबाजों को, शुरुआत थोड़ी सी खराब रही, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने उसका उससे सीख कुछ ली नहीं, आड़ा ताड़ा शॉट खेले, कैच दे बैठे, दो जीवन दान मिले, यानी कि जो सीख नहीं लेता उसका कुछ हो नहीं सकता क्रिकेट में। आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि मेरे टीम को किस तरह की जरूरत है, किस बल्लेबाजी की जरूरत है, कितनी गेंदें बचे हैं, कितने रनों की आवश्यकता है। गेंदबाजी शानदार, मैं तो काबिले तारीफ गेंदबाजी, मैं तो तारीफ करना चाहूंगा क्षितिज की, शायद उन्होंने दिखला दिया है कि किस तरह से गेंदबाजी की जाती है, पावर प्ले हो या खुली हो, फील्ड इंस्ट्रक्शन हो या ना हो। नया गेंदबाज आतिश, देखना है सूरज की आतिशी बल्लेबाज को रोक लगाने के ऊपर आतिश।
सी गेंदबाजी कामयाबी लाती है। आज सूरज को जीवनदान मिले हैं और उस जीवनदान का फायदा अभी उनको उठाना है। 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, जो खिलाड़ी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने की काबिलियत रखता है उसके लिए 2 जीवनदान। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अभिजीत का आता हुआ। अतिरिक्त रन के बदलत रन संख्या में बदलाव, रन संख्या परावर्तित 28 रन के ऊपर, अभी 29 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों का खेल बाकी। दबाव जो कि बल्लेबाजों के ऊपर आना चाहिए था, गेंदबाज खुद के कंधों के ऊपर ले रहे। अक्सर हमने देखा है दबाव में बिखरती हुई गेंदबाज, बेहतर गेंदबाज है और इस बार कोई गलती नहीं की। आदिश ने कहा इस बार मुझे किसी खिलाड़ी की जरूरत ही नहीं है, मैं इनको क्लीन बॉल करूंगा। यू मिस मी आई हिट यू, जाइए खेमे में जाकर बैठिए आराम कीजिए। कहीं खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना बराबर, ये तो बल्लेबाजी अशो हो रही है मुझे तो लग रहा है। अपाली कलगुटकर एक छोर संभाले जरूर है, लेकिन एक के बलबूते के ऊपर क्रिकेट खेला नहीं जा सकता, मैच जीता नहीं जा सकता। जिस तरह बंद मुट्ठी में ताकत होती है वैसे 11 खिलाड़ी जब एक साथ मैदान में 100% योगदान देने के लिए उतरते हैं तभी जीत मुकम्मल की जाती है। और क्रिकेट ये खेल ऐसा है किसी एक के बलबूते के ऊपर नहीं खेला जाता। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहे थे तब लोग कह रहे थे भारतीय क्रिकेट का भविष्य क्या होगा, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर को लगभग जमाना भूल सा गया है। विराट कोहली की माला जप रहा है, करुण नायर की माला जप रहा है, केएल राहुल की माला जप रहा है। ये है उगते हुए सूरज को नमस्कार करने वाली ये है दुनिया। आतिश शानदार गेंदबाजी कर रहा है, विवेक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में। अब जो कुछ करना है अपाली को करना है, बल्लेबाजी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेना। इस बार खेला तारा मंडल में, हवा से बातें करते हुए गेंद और सीमा रेखा पार 6 रन, आते ही छक्के के साथ आतिशी छक्का, सीमा रेखा पार 6 रन, गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी, आते ही वेलकम सिक्सर के साथ दिखा दिया है मुझे पावर प्ले की आवश्यकता नहीं है, मेरे कंधे में एक क्षमता है, मेरे बल्ले में एक क्षमता है, लोकल में डाले हुए यॉर्कर गेंद के ऊपर भी मैं छक्का लगा सकता हूँ। ये है विवेक, विवेक के साथ करता हुआ ये विवेक की बल्लेबाजी, आतिश के ऊपर ये आतिश छक्का, रन संख्या परावर्तित 34 के ऊपर, अभी भी 23 रन, अभी भी कार्य समाप्त नहीं हुआ, अभी भी खेलना है, जोरों से खेलना है, आखिरी ओवर तक खेलना है। फिर एक बार खेला खाली क्षेत्र में, गेंद तो नहीं रुकेगी, वन बाउंस सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार चौका। मैंने पहले कहा था गेंद बाउंस होती है, सीमा रेखा पार चला जाता है, आउटफील्ड ना देख फील्डर को रोकने में ना, बंदूक सी छुटी हुई गली। अब थोड़ा सा खलबली मच चुकी है मुंबई की टीम, 38 रन बन चुके हैं 19 रनों की आवश्यकता। सूरज को जो काम करना था वो विवेक कर रहा है और अब सोच में क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। रिकॉग्नाइज बल्लेबाज वापसी कर चुके थे, टेलेंडर बल्लेबाज मैदान के ऊपर थे, लेकिन गोवन बल्लेबाजों की यही तो खासियत भाई, 90 नंबर वाला खिलाड़ी भी 4-4, 6-6 छक्के लगाकर मैच लेकर उड़ जाता है, 10 नंबर खिलाड़ी भी खेल जाता है। ये है गोवन।
क्वालिफाई कर दिया है, लगभग अपनी टीम को विजय की कगार के ऊपर खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि आखिरी ओवर में दो छक्के तो लगने की संभावना निश्चित रूप से रहती। ये गेंद देखिए, लाजवाब नजाकत भरा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार, देखता है अंपायर का इशारा, चौका छक्का छिया। मैंने कहा था इस खिलाड़ी में काबिलियत ठास ठास की भरी है, ये नजाकत भरा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक एबी डिविलियर्स खेलता है, ये स्ट्रोक खेलता है ब्रेंडन डिकॉक, ये स्ट्रोक खेलता है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्मिथ, और शायद इसीलिए तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि ये खिलाड़ी मैच को अपने हाथ से जाने नहीं देता। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि 12 गेंदों में 30 रन बनेंगे या नहीं, इसलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं सा खेल कहा जाता है, जब तक आखिरी गेंद डाली ना जाए तब तक बातचीत करना गलत माना जाता है। 6 गेंदे 7 रन, मैच 60-40 का बन चुका है। पहले तो मैं मार्क देना चाह रहा था 70-30 का, 70% जीतने के चांसेस थे मुंबई टीम के, लेकिन वो 16 रन और ये आखिरी गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि 22 रन उस ओवर में, जब पावर प्ले का भरपाई करना था वो ओवर पांचवा ओवर, अब 6 गेंदे 7 रन। इसलिए मैं अक्सर गेंदबाज को बकरा कहता हूँ, क्योंकि बकरे की गर्दन सूर्य के ऊपर रखो चाहे गर्दन के ऊपर सूरा रखो, कटना तो आखिर बकरे को ही पड़ता है। इसलिए गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी करे या पावर प्ले के बाद, पिटना तो आखिर गेंदबाज को ही पड़ता है। 6 गेंदे 7 रन, करिश्मा होने की संभावना, और करिश्मा बार बार नहीं हुआ करता। ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका 434 का मुकाबला, उसके बाद से अब तक करिश्मा नहीं हुआ, एक बार हुआ था 2020 में भारत बनाम बांग्लादेश, रन से हारे थे। गेंदबाज योगेश, 6 गेंदे 7 रन, ट्रंप कार्ड शामिल होने की संभावना, अगर जीत दिलाते हैं तो हीरा बनेंगे शायद। इस बार फिर की गेंदबाज, रन आउट का खतरा, डाई और ये आउट, जी हां ये खतरे की गेंद, कोई जरूरत नहीं थी इस रन की, लेकिन चाहिए था वहां पर सिंगल आपको लेना था तो बल्ले को लगा कर ले लेते, खिलाड़ी वहां पर तैनात, 8 विकेट का हो चुका है पतन, 2 विकेट है बाकी, अब मैं तो मार्क देना चाहूंगा 50-50, दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका, 2 विकेट चटका है मैच लेकर उड़ जाएगी बंबई एरोप्लेन। अगर 7 रन बना लेती है तो मैच लेकर उड़ जाएगी गोवा एयरवेज, देखने वाली बात होगी एरोप्लेन उड़ जाता है या ये मयूर नाच नचाता है, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, आंखों के सामने जो होगा उसके ऊपर निर्भर होगा कौन
एक रन। अब बची है तीन गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए पांच, तीन गेंदे पांच रन। मुझे तो अंदेशा लगता है अशोक, अगर बड़ा शॉट नहीं लगा ना तो ये मुकाबला सुपर ओवर के ऊपर चला जाएगा। दोनों टीमें चाहते हो कि सुपर ओवर आ ही ना तो भाई बेहतर है। जल्द संपर्क करें महेश्वर कारवार के कप्तान।